आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम। बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की तरफ। वर्तमान सरकार ने महापूरा होने पर दिया हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान, रिपोर्ट कार्ड भी किया पेश। पंजाब की भगवत मान सरकार ने अपने कार्यालय का एक माह पूरा होने पर राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त का शनिवार को सुबह ऐलान किया। राज्य के सभी घरों को 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में फिर से शुरू हुई पानी की किल्लत, परेशानी से बचने के लिए नोट कर सकते हैं प्रभावित इलाकों की लिस्ट। बढ़ती गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट के मामले भी सामने आने लगे हैं। इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है, जिससे राजधानी के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। इसकी जानकारी खुद दिल्ली बोर्ड ने दी है। सूत्रों के मुताबिक यमुना में अमोनिया की मात्रा काफी बढ़ गई है। प्रयागराज में 5 कत्ल की वारदात से सनसनी, पति पत्नी और 3 बच्चों की गला काटकर हत्या। प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई। प्रयागराज से एक दिल दहलाने वाली घटना में सामने आया है कि जहां परिवार के 5 लोगों का गला काटकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, फिलहाल हत्या के कारण अभी पता नहीं लगाए जा चुके हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ पुलिस भी इस मामले पर पूरी जांच पड़ताल। महाराष्ट्र माटुंगा स्टेशन के पास पटरी से उतरी दादर पांडुचेरी एक्सप्रेसवे, कुछ देर में बहाल होंगी सेवाएं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास माटुंगा स्टेशन पर शुक्रवार रात को CSMT गगड़ एक्सप्रेसवे से टकराने के बाद दादर पांडुचेरी एक्सप्रेसवे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसके कारण स्टेशन पर सामान्य सेवाएं शनिवार को बाधित की जाएंगी। बफरोल में 55 एकड़ जमीन पर बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, 2 साल में होगा पूरा मॉडल तैयार। दिल्ली के बफरोल में 55 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनने की दिशा में दिल्ली सरकार काम कर रही है। इसे लेकर सरकार ने सलाहकार फर्म के साथ करार किया है। इसके बाद अब निर्माण की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि 1.5 से 2 वर्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का काम पूरा किया जाए। इसके लिए सरकार प्रत्यक्ष रूप से करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।